देश की आजादी को तो 75 साल हो चुके हैं, हम अमृत महोत्सव मना चुके हैं। आज यात्रा हम देश को जोड़ने की करें या न्याय की? तोड़ा किसने बताए कोई? मेरी अनेक माओं के लाल, मेरी बहनों के सुहाग इतने युद्धों में नहीं मरे होंगे जितने 370 और 37 की भेड़ चढ़े। देखे कोई उन माओं के आंसू? और हमारी पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं स्वीकार था धारा 370 35 से, या एक ही देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान। उनकी बलि चढ़ गई एक ही रात में, और विपक्ष का नेता होते हुए कोई जांच नहीं हुई। ये लोकतंत्र था क्या? यही न्याय था क्या? नहीं हुआ। और उस बलिदान को हम अपने नारों में तो कहते रहे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। पर विश्वास था क्या? वो बहन है हमारी, वो बेटी है हमारी। पर्दे पर कितने ही चरित्र अभिनय में करने होते हैं, वो कार्य है, पर किसी को अधिकार नहीं है इस देश की मातृशक्ति को अपमानित करने का। मेरी मातृशक्ति 10 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा था, 33% आरक्षण, 33% आरक्षण, और आज वो उसकी अधिकारी है। मैं अपनी बहनों को सक्रिय होते हुए देख करके खुश होती हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है, और मैं सपना देखती हूँ 29 का, जब मेरी यही मातृशक्ति 33% होकर के संसद में बैठेगी, नीतियों का निर्धारण करेगी, अपनी आवाज पूरे। कंगना जी हिमाचल की बेटी है, यूं ही वो पद्मश्री नहीं ले आई। आप और हम सब जानते हैं कि एक महासमुद्र है आपका वो फील्ड, और उसमें वो अपने हिमाचल को लेकर के आती हैं, तो वो अपने हिमाचल का नाम रोशन करती हैं, तो सांसद बनकर संसद में जाएंगी तो अपने हिमाचल के लिए कार्य करेंगी। भारतीय जनता पार्टी को तो किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देश के विकास के लिए जनता से जुड़कर जनता के मुद्दों पर काम करती है, और कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। बोलने से पहले अपनी बात का जहां अर्थ पता नहीं होता, उसके लिए मैं क्या शब्द करूँ।